लिखा कार्ड भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है पढ़ी ली जाओ उसे, अम्मा ने खत लिखा है पढ़ी ली जाओ उसे, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। इस तरह सारा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कराया होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई मनुष्य अपनी कार्य को पूरी ईमानदारी पूरी लगन के साथ करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मानता कि व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को तीन रंग में ही रंगना देशभक्ति है। यदि आप कहें ना तो साल में दो बार ही हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता था, तब क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे आयस करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान है, महान था, महान रहेगा। क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजों के शासकों के जड़ में तूफान ले देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तब वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्नी नोनी हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चूड़ियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक्सपोर्ट हुआ पता ही चला नहीं पूरे जिस्म की बूटियाँ चली गई। आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की 2 रोटियाँ चली गई, मेरे घर की 2 रोटियाँ चली गई वाले हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे